सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट गेमिंग हेडफोन अंडर 500 रुपीज़। मतलब कि आज की वीडियो में देखेंगे बिल्कुल एकदम मतलब साउंड क्वालिटी उसकी एकदम बेस्ट होगी, बीस्ट होगी। और उसके साथ साथ जो इसका जो माइक वर्किंग है वो आप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। और जो आप अपना गेम खेलते हैं ना BGMI, उसमें भी एकदम परफेक्टली आपको लेफ्ट राइट साउंड आराम से क्लियरली सुनाई देगी और जो आपका ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को फटाफट से। तो गाइस देखो, आज जिस हेडफोन के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है कॉस्मिक बाइट GS410। ठीक है, वीडियो छोड़कर मत जाओ, पहले आप पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सुन लो, उसका जो ड्रॉबैक्स वगैरह मतलब जो है इसके अच्छी फीचर्स हैं सब कुछ आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों को इसे बाय करना है ना, सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे ज़्यादा बेस्ट बाय लिंक है जहाँ पर आप लोगों से सबसे ज़्यादा सस्ता मिलेगा। और गाइस ये वैसे तो अपना 700 कुछ का है, पर लेकिन जो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 580 रुपीज़ का अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करते हैं, तो मतलब बाय करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यार इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके यार अपने इसके स्पीकर के ड्राइवर के बारे में। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता कि स्पीकर का ड्राइवर होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये अपना स्पीकर का ड्राइवर है ना, इससे आप लोगों को पता लगता है ये कि अपना जो हेडफोन की साउंड क्वालिटी है कितनी, मतलब कितनी ज़्यादा बेस्ट है, आपका स्पीकर कितना बड़ा है, मतलब क्या है, तो उसके बारे में जो है इसका बारे में पता लगता है उस ड्राइवर से। ठीक है, अब ये मेजर कैसे किया जाता है, मतलब कि आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी हेडफोन या फिर ईयरफोन के पीछे लिखा हुआ होता है ड्राइवर 40 mm, 20 mm, 30 mm और 50 mm, मतलब जितने भी हैं। ठीक है, तो जो ये वाला हेडफोन है वह है अपने 40 mm पर बेस्ड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यार इस वाली प्राइस है। आप लोगों को साउंड क्वालिटी एकदम बिल्कुल बीस्ट मिलेगी इस वाले हेडफोन में, क्योंकि यार मैंने भी अपनी रिसेंटली जो है कम से कम 3 महीने पहले बाय किया था और मैं अभी तक इसे यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस और ओवरऑल जो है अपनी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिली है, और इसी वजह से यार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है आप लोग भी इसे बाय कर पाएँ। सीधा डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक यार, वहाँ से बाय करना है। ठीक है, और बाकी यार बात करें इसके अपने माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन इसमें आप लोगों को कुछ इस तरीके का मिलेगा जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का आप लोगों को माइक्रोफोन मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने लीड के बीच में जो है मतलब जिसकी इसका वायर है, इसमें आप लोगों को दे रखा है वॉल्यूम अप एंड डाउन का। ठीक है, और साइड में दे रखा है अपना माइक ऑन ऑफ करने का, तो आप लोग देख लेना इसे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपली चीज़ है। और बाकी यार बात करते हैं अपने BGMI की सेटिंग्स में, मतलब कि आप लोगों का अल्ट्रासाउंड अगर आप लोग खेलोगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सैंपल दिखा सुना देता हूँ। ठीक है, वैसे तो दूसरे के फ़ोन में और स्पीकर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, मतलब कि मैं आप लोगों को यहाँ से स्पीकर की आवाज़ सुनूंगा हेडफोन की, तो आप लोग अपने मोबाइल के स्पीकर से सुनेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इसके बेसिस पर जो है अपने हेडफोन को इस वाले को जज मत करना, मैं आप लोगों को मतलब परफेक्टली बता रहा हूँ कि हेडफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस वाले प्राइस रेंज में, सिर्फ उसी 580 रुपीज़ का आता है। आप लोग इसे बाय कीजिए, एक ही बार बाय कीजिए, 1 ईयर वारंटी आती है और कोई भी दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं आने वाली है। माइक्रोफोन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये भी इसी हेडफोन के माइक से जो है रिकॉर्ड की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एकदम परफेक्ट आ रही है। और बाकी गाइस यार मैं आप लोगों को एक बार फिर भी अपने हेडफोन की जो है साउंड सुना देता हूँ अपने गेम को चालू कर, तो देख लो यार कैसी इसकी साउंड आती है। दो सीटर पड़ा है ना, दूसरा स्पॉट। अब अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है यार, मतलब कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग जो है 200-200 वाला अपना हेडफोन को यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी इन लोगों ने दे रखी है, अगर आपका ये हेडफोन गिर भी जाता है तो ज़्यादा कोई दिक्कत आपको लोगों नहीं आने वाली है, और अगर आती भी है तो सिंपली सर्विस सेंटर अवेलेबल है, सिंपली आप लोग वहाँ पर जाकर दिखा सकते हैं, 1 ईयर की वारंटी आती है। आप लोग सिंपली अपना बिल डब्बा वगैरह ले आना, वहाँ पर आप लोग आराम से दिखा सकते हैं और अपने से दोबारा से ठीक करवा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो है अपना हेडफोन कहीं से टूटा हुआ ना हो, वरना तो वे लोग जो है रिपेयर नहीं करेंगे। बाकी यार अब बात करते हैं इसके जो अपने ईयर पफ्स होते हैं ना, यहाँ जो अपने कान पर फिट हो जाते हैं जब हम हेडफोन को लगाते हैं, तो वे भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये चीज़ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मली एकदम सॉफ्ट मिलेगा। तो इससे तो हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, बस थोड़े बहुत कान पर दुखते हैं, वो भी यार अगर आप 2-3 घंटे लगातार गेमिंग खेलते तो यार कान तो दुखेंगे ही ना, तो वैसे कुछ इसमें कुछ है नहीं। बाकी साउंड क्वालिटी एकदम बेस्ट है इस वाले प्राइस रेंज के अंदर। और गाइस एक और चीज़ यार, अगर आप इससे पहले कोई हेडफोन यूज़ कर रहे थे ना, और वे अगर आपका थोड़ा ज़्यादा MM का होगा ना, तो आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, मतलब कि इस वाली साउंड क्वालिटी में आपको थोड़ा डाउन लग सकता है, क्योंकि यार आप लोगों ने इससे पहले इससे भी ज़्यादा अच्छा हेडफोन यूज़ किया है, तो यार इसकी साउंड क्वालिटी आप तो डाउन लगेगी ही। ठीक है, तो उसके लिए यार मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना अपने पुराने हेडफोन में कौन से कितने MM का ड्राइवर लगा हुआ है, तो मैं आप सिंपली कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो जो है बना दूंगा।
बाकी आप लोगों का कोई भी इससे रिलेटेड जो है क्यूरी वगैरह कुछ भी हो, सिंपली कमेंट करना है, फिर इंस्टाग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, सीधा वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी गाइज आपको बाय करना है सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, वरना तो आपको महंगा पड़ेगा, वहाँ से ही बाय करना। और मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।